आ गए, ये सिद्धि विनायक मंदिर है। तिरुपति आ गए, तिरुपति तिरुपति आ गए हम लोग। विट्ठल भगवान की तीर्थ स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। क्या दिश है गाइस? तो गाइस हमने टिकट ले लिया है, चार अडल्ट और एक चाइल्ड, यानी कि डुबो 300 का नहीं लगा है। चलो चलो चलो, क्यों बीच बैठो? हाँ ठीक है गाइस, ये हमारा फर्स्ट टाइम है और हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा आगे। आज हम आपका स्वागत है, जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती है। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। के जो प्रमुख मंदिर है उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो ये सिद्धि विनायक मंदिर को दिखाया इन्होंने, श्री गणेश जी को और सिद्धि विनायक मंदिर के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद। गणपति बाप्पा मोरिया। श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन, तो गाइस अभी आ रहा है गणपति का ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी शख्स, सिद्धि विनायक मंदिर है गाइस। गणपति बाप्पा मोरिया। गाइस ये सिद्धि विनायक मंदिर है, काफी सुंदर दिख रहा है यहाँ पर। तो काफी अच्छे से ये दर्शाया गया है। गुजरात में ये द्वारका में आए हैं। प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा। गाइस ये द्वारका है, ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास इसी स्थान पर हुआ करता था। गाइस ये द्वारका है, इस मंदिर के 2 द्वार है, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार, 4 धामों में से एक है ये द्वार। द्वारकाधीश है गाइस, जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो, जो, देखो कैसी लगी, देखो देखो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब आए हम केदारनाथ। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ। केदारनाथ आ गए गाइस, एक ही गाड़ी में बैठ के हम पूरे जो है अपने तीर्थ स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। एक तीर्थ यात्रा ही है। शिव जी का मंदिर है, जिसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बद्रीनाथ आ गए गाइस,
के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। गाइस ये बद्रीनाथ है। विश्व के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण, इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। ओह माय गॉड, बद्रीनाथ जी की, बोलो बद्रीनाथ जी के। देखो कैसा लग रहा है आपको, देखो जर, देखो देखो, नहीं देखोगे? और आगे है पंडरपुर। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंडरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस बारी को कौन नहीं जाता। पंडरपुर है और अंदर है साल पुराना विट्ठल महाराज जी पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार। ये विट्ठल महाराज जी है, विट्ठल भगवान की जय, विट्ठल भगवान की जय। किंचो करो विट्ठल भगवान की जय, कर दो जय, गुड, विट्ठल भगवान की जय। अमृतसर आ गए। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। ओह माय गॉड, चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बोले जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आ गए हम पूरी, गाइस हम पूरी आ चुके हैं जगन्नाथ मंदिर। वाओ, साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध चार धामों में से एक है और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। मीनाक्षी है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 3000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहां दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। तिरुपति आ गए, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के तिरुपति आ गए। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए 1700 तिरुपति आ गए हम लोग। हमारे
प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो गाइस इस तरह से हमने तीर्थ यात्रा कर लिए, काफी सुंदर था अंदर। और अगर आप एक ही जगह पर रहकर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर आइए। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट जो है हम जाएंगे लंका दहन के लिए, लंका दहन का शो देखने के लिए। ये 5D शो है, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। पापा, किंशो देखो ये लंका दहन, मुझे तो अब घर वापस चलो जी। ये और यहाँ पे चल रहा है फ्री मैजिक शो हो रहा है। और यहाँ पर है आइसक्रीम्स, पॉपकॉर्न वगैरह भी है। मैडम जी ये सबको दिखा दो इसे। सर कौन का धागा है? वो धागा देखो इधर से गायब हो जाएगा, गायब होके मैडम का नोज में चला जाएगा, मैडम का नोज बड़ा हो जाएगा। चलो तो गाइस अभी लंका दहन के लिए समय है, तो तब तक फ्री का जो बाइक शो है वो देखने के लिए लगा दिए हैं और सब बैठ के बाइक शो का मजा ले रहे हैं। तो गाइस लंका दहन का जो शो है स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए लंका दहन की ओर जाते हैं। और यहाँ पर लाइन लगी हुई है लंका दहन के लिए और यहाँ पर भी लाइन है। कोई अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ लंकाधिपति कृष्ण रावण ने कपट से सीता माता अभय दिया है। आपके माता रुद्राक्ष जटायु ने रावण से युद्ध कर से रोकने का असफल प्रयास किया। रावण उस देवी को लंका ले गया है। इसी में ये समुद्र पार करने की शक्ति है, मगर 100 गज की दूरी को केवल भी हनुमान ही पार कर सकता है। संपाति है संपाति। हाँ।
समस्या है तो चेयर से ना उतरे, सिर्फ अपना हाथ ऊपर करें। बारे में अपना अनुभव फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया साइट पर शेयर जरूर करें। आपका अभिप्राय हमारे लिए मौल्यवान है। हम सभी साई भक्तों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। साई तीर्थ थीम पार्क और रूबिक्स क्यूब गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर चिन्मय प्रभु द्वारा साई तीर्थ थीम पार्क में अच्छा लगा। और अभी देखते हैं आगे क्या है। नहीं नहीं अभी नहीं, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर बाहर देखेंगे, बाहर बाहर देखेंगे। और देखो अब आए हैं हम द्वारका माई में। जब भी कोई सच्चे मन से आता है बेबी तो उससे मिलने में जरूर आना। देखो साईं जी से मिलने हम आए हैं। जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है उसके बुलाने पर तो साईं को आना ही पड़ेगा। बाबा आपने हमेशा श्रद्धा और सबूरी की बात की, उसका मतलब क्या है बाबा? श्रद्धा इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे दिल की अच्छाई तुम्हारी बुराई पर जीत पाएगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, जिससे भगवान को भी खुशी मिलेगी और साईं को भी। बाबा आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। द्वारका माई देखने के बाद अभी हम बाहर निकले हैं, वो सप्त मालिक के लिए अभी समय है जो शो है, तो चलिए बाहर का जो व्यू है वो देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाटर फाउंटेन है और इसके चारों ओर लोग फोटोज ले रहे हैं। और यहाँ है हमारे फैमिली, यहाँ पर है जयपुरी 100 ग्राम्स क्विल्ट एंड बेडशीट। और ये एक फूड जोन भी है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ चाय लेने के लिए 30 रुपीज़ का एक चाय है। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं आज के लास्ट शो यानी कि सबका मालिक एक में। आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक चीज मैंने तेरे लिए संभाल के रखी है। फ्रेंड्स सबका मालिक जो है वो लास्ट शो था और काफ़ी अच्छा था। मैंने दो बार रो दिया, इतना अच्छा एक्टिंग था और काफ़ी अच्छा जो है साई के बारे में बताया गया है यहाँ पर। और ज़रूर देखिए इसको अगर आप शिरडी आते हैं।